बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं ज़ुल्फ़िकार शुवाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ का सूर। ये शामिल करती हैं आज की हम खबर, सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाला भारतीय अदाकार कौन। शाहरुख खान अपनी एक फिल्म का मुआवजा 150 करोड़ से 250 करोड़ भारतीय रुपये लेते हैं। सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले भारतीय फिल्म स्टार की फिर सामने आ गई, जिनमें बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडियन अदाकार भी शामिल है। अमरीकी जिदे फॉरबर्स ने IMDB से लिए गए डाटा की मदद से रवान साल 2024 में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले 10 भारतीय अदाकारों की एक रिपोर्ट शेयर की है। रिपोर्ट के मुताबिक फहरिस्त में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले भारतीय अदाकारों में बॉलीवुड किंग शाहरुख खान सरफहरिस्त है। किंग खान अपनी फिल्म का मुआवजा 150 करोड़ से 250 करोड़ भारतीय रुपए लेते हैं। फहरिस्त में दूसरे नंबर साउथ इंडियन स्टार रजनीकांत मौजूद है, जो अपनी एक फिल्म का मुआवजा 115 करोड़ से 170 करोड़ रुपए लेते हैं। अमरीकी जिदे की रिपोर्ट के मुताबिक फहरिस्त में तीसरे नंबर पर साउथ इंडियन अदाकार जोसेफ विजय हैं, जो अपनी एक फिल्म का मुआवजा 130 करोड़ से 250 करोड़ रुपए लेते हैं। चौथे नंबर पर अदाकार प्रभास का नाम मौजूद है, जो अपनी एक फिल्म का मुआवजा 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपए तक लेते हैं। जबकि पाँचवें नंबर पर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, जिनकी एक फिल्म का मुआवजा 2 करोड़ से 275 करोड़ होता है। बॉलीवुड के डबिंग स्टार सलमान खान सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकारों की फहरिस्त में छठे नंबर पर है। उनकी एक फिल्म का 100 से 150 करोड़ भारतीय रुपए है। इनके अलावा फिर इसमें सातवें नंबर पर कमल हासन, आठवें पर अलवार अर्जुन, नौवें पर अक्षय कुमार और दसवें अजीत कुमार मौजूद हैं।